रहा है, यहाँ पे आ गया है मामू काशिफ और सुबहान आया है, अभी पता चला है कि मैं इधर आई हूँ आंटी आसमा के घर, ये मिलने के लिए आ गया अपने मामू को। बैठा हुआ है गोले मोले और ये पीने वाला है चाय। गुल्लू चाय साथ बिस्किट खाएगा तू? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग माई स्वीट फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, साथ रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती शफा दे। जो लोग मुझे कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे बेटी दे, बेटा दे, ये अल्लाह पाक सबको दे। अल्लाह पाक जो बेटी की ख्वाहिश रखते, अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते, अल्लाह पाक उनको बेटा दे। कमरा साहब यहाँ पे मेरे बना रहे हैं नाश्ता, अंडे बॉयल करिए हुए थे कमरा ने मेरे लिए, और साथ में कमरे की चाय आई है, मेरी ब्लैक कॉफ़ी है, और अंडे खिला रहे हैं मुझे, कह रहे अंडे खाओ। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाला है नमक हल्का सा, और यहाँ पे मैंने एक खा लिया पहले, एक और खिला रहे हैं, और ये मैं खिलाती हूँ कामरन को, ये खाएंगी ये मुझे खिला रहे कि तुम खाओ। तो फ्रेंड यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, तो चलते हैं स्लो। तो मैंने डाया हुआ था इमरान अशरफ का, अल्लाह पाक आपकी भी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो जो आपकी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह पाक पूरी करे। आप बहुत अच्छी मेरी यूट्यूब फैमिली है, इतने प्यार करते हैं, इतने प्यारे कमेंट करते हैं, और मैं कामरा मुझे नहीं करने देते डाइटिंग, मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर, मैं कोशिश खत्म कर रहा हूं। ये देख ली, अभी मैंने मना किया कि मैंने ना जो इतना बेकरी का सामान नहीं खाना, लेकिन ये फिर भी डेली की ना दो तीन बिस्किट खिला देती हैं अपने साथ बिठा के, इस तरह ही करते हैं ये। जो हस्बैंड है एडे प्यार नाल बाइटर कोई भी अपनी मिसिज दे लागे लै के जाए तो ना कर सकती है? नहीं, ये ना तो फिर होंगी नहीं पाए कि कहने फिर कि कहने के जो हस्बैंड खिलाए ना फिर खा लेना चाहिए, रिजायर भी क्यों होए। चाहे कोई चीज खिलाए तो खा लो। कामरा बाकी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखते हैं। मैं ज्यादा नहीं खिलावांगा इंशाल्लाह, मैं तनु नहीं हूं, बस नहीं, बस कर बताना, नहीं 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 प्लीज, एक ही खा रहा, कुछ नहीं होता, मैं फिर छोड़ देता हूं इसे। लगी तो सी खा लोगे तब जान, जल्दी से कॉफी पीते हैं, चलते हैं सैलून। जी टाइम हमारा हो गया है, टाइम और हम जा रहे हैं सैलून, चलते हैं। अभी मेरे साथ चले हैं कामरा, मेरे साथ ही हैं, मैं भी इनके साथ ही हूं। यहाँ पे ये देखे जी काशी भाई गुजरा वाला से आए हैं और मिलने के लिए आए हैं, यहाँ पे कामना के साथ आ गया सैलून में, तो बैठी थी मैं, हैप्पी हो गई। भाई वैसे आए हुए हैं, परसों ही आए हुए हैं, मुझे आज मिले हैं, पता नहीं कहाँ घूम फिर रहे थे। बंदा गुआचे था, सेनु लब के लब के लेंदा है, कामरा ढूंढ के लेके आए हैं, मेरे पास ले आए हैं मिलाने के लिए कि चलो आपको मैं मिलाता हूँ। वो आया जी पर तू नहीं लबी, गए थे घर में लेकिन पार्लर में थी, तो फिर इधर आ गए। ये आपके लिए मैंने पहले ही ऑर्डर करे, देख लो, मुझे पता था मेरे भाई ने आना है, कैसी बात है। मुंशी नो की मुंशी नो बड़ा खलान प्लान ये था, चीजें रखी दिया सामान उतरे के नहीं, तू काम कराओ कर ले यहाँ पे खाएंगे बर्गर, मैंने जिम का किया था ऑर्डर, और ये देखिए कितनी जल्दी से स्पीड से आ गया। तो जी फ्रेंड आसफा के सैलून में वेलकम है, आज आसफा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी लेकर आई है, वाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए, स्किन की जो भी आप कहते हैं फेस की शाइनिंग हो जाए, अच्छी हो जाए, आपका फेस वाइट हो जाए, ये उसके लिए रेमेडी है। सबसे पहले आपने ले लेनी है तिब्बत, तिब्बत क्रीम, बड़ी मजे की क्रीम है और बहुत अच्छी क्रीम है, आपने ये ले लेनी है एक चम्मच। उसके साथ आपने ले लेनी है फेयर एंड लवली, ये भी आपने ले लेनी है एक चम्मच। उसके साथ आपने ले लेनी है वाइटनिंग कैप्सूल, इसको आपने तीनों चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स। तो इसको आपने अच्छी सी एक नाइट क्रीम बना लेनी है, आप वो डे को भी लगा सकते हैं, आप
तो आप दिन को भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। इतनी अच्छी है, वाइटनिंग के लिए है, ग्लो के लिए है, स्किन की जो शाइनिंग के लिए है। आप ये रेमेडी जरूर इस्तेमाल करें तो आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि तमाम जो मेरी वीडियो है आपके पास आती रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे हम करने वाले हैं सैलून को क्लोज, और वहां पे आई है मेरी जान मुझे लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना, हम कुछ एक नया सेटअप करने वाले हैं। थोड़ा सा फ्रिज यहाँ से तोड़ा है, सेटिंग होगी, आपको कल दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या करना है। और यहाँ पे जो है ना, कामरा साहब आ गए हैं। चले मेरी जान, फिर बड़ा टाइम हो गया, तो चलते हैं घर, देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे, वेट कर रहे होंगे कि मम्मा ने अभी तक आई। तो चलते हैं फ्रेंड्स घर। अजी फ्रेंड, फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। लड्डो नीकू मेरा, ठीक देखिए मैं आई हूँ, तो मुझे प्लेट दिखा रही है कि मेरी प्लेट खाली है, मुझे कुछ नहीं दिया। गोलू गोलू उसको चल, तो देखिए मेरी लड्डू को कुछ दे, देख मुझे देख रही है, देखो दो इसको बिस्किट। मेरा काका, मेरा पोला घर आके तो मुझे नखरी दिखा रही है कि मुझे कुछ नहीं दिया इन्होंने खाने पीने को, है गले दे बिस्किट। तो जी फ्रेंड, मैं बना रही थी बच्चों के लिए चाय। आंटी आजमा के घर से आए हुए थे चावल और कौरमा, तो उन्होंने खाना खा लिया और था मेरा कर रहे थे वेट, मैं जाऊँगी उधर। आसमा ने मुझे बोला कि आप उधर आ जाओ, मैं और कामरा हम जाएंगे आसमा के घर, उधर जाके खाएंगे खाना। तो तब तक यहाँ पे हम, मैं बना लूँ बच्चों के लिए चाय। जी फ्रेंड, यहाँ पे आ गए हैं मामू काशिफ और सुभान आया, अभी पता चला है कि मैं इधर आई हूँ आंटी आसमा के घर, ये मिलने के लिए आ गया अपने मामू को, और ये सोया उठा लगता है जल्दी से इधर आ गया। यहाँ पे मोहम्मद, हसान, इमरान सभी बैठे हुए हैं, ये मामू से हग्गियाँ हो रही हैं, मज़े हो रहे हैं, क्या बात है। यहाँ पे आसमा ने बनाई हुई है पुलाव पकाया हुआ आसमा ने, और यहाँ पे कामरा साहब को नींद आ रही है, ये क्या टाइम हो गया सोने का, लेकिन आज तो यही सो सकते, भाई भी आए हुए हैं, भाभी भी आई हुई है, तो वो गए हुए हैं कहीं घूमने के लिए बाहर। तो यहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया था, उन्होंने दोबारा फिर जब आते हैं तो यहाँ पे कामरा को नींद आई थी। आसमान ने कहा मैं जल्दी से खाना ले आती हूँ, कामरा को भाई सोना चाहिए, हाँ इसलिए आपको पता था गर्मी इसको मैं कामरा को टाइम पे ही खाना खिला देती हूँ। आसमान नहीं, कामरा बड़ा जल्दी सो जाता, देखिए सारे कहने कामरा बहुत सर्दी लगती है, और ना हंस रहे थे कमेंट से, कामरा बहुत सर्दी लगती, मैं बहुत सर्दी लगती कामरा वाकई, कामरा ने मोटे शर्ट। तो जी फ्रेंड, हम आ गए थे आंटी आसमा के घर से होके, खाना खुना खा के बच्चों के लिए भी ले आए, उनके लिए भी इसने फिर बिरयानी दोबारा फिर भेज दी, वो खा रहे हैं चावल वगैरह पुलाव साथ में। मामा मेरी चाय बना दो, हमने भी चाय पीनी थी, मैंने कहा मैं घर जाके पीऊंगी बच्चों के साथ, तो आसमान से फिर लिए इजाज़त, फिर हम आ गए। तो अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए चाय और अपने लिए कामरन के लिए। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे हमारी चाय हो गई है डन, ये देखें कितनी अच्छी है, कितनी मजे की चाय है। कामरन को ना अब आ गया बाहर से, तो कामरन को ना अब होगी खांसी स्टार्ट, इसी तरह जब चक्कर लगा के बाहर आते हैं, बाहर से घर आती है तो खांसी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं कप में डालने वाली हूँ चाय, मेरी चाय बन गई है, मतलब की खुशबू भी आ रही है, तो कप में डाल। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे बैठा हुआ है गोले मोले और ये पीने वाला है चाय। गोलू चाय सारे बिस्किट खाएगा तू, चल ठीक है, अभी मम्मा जा रही है दूसरे रूम में चाय पीने, ठीक है आप बैठो इंजॉय करो। ओके, और सुभान क्यों बैठा हुआ था, रूसा फूला हुआ नहीं था ये सुभान, बेली फुल है, चाय पिए क्या मम्मा साथ? नहीं नहीं पीनी, नहीं। क्या पीना? चल आजा फिर हम लोग एंड करें बाहर, आ जाओ जी। फिर यहाँ पे हो गई है चाय डन, और ये पिएगी चाय, चाय के रोड की बैठे हुए अंदर, तो मैं जाना है अपने रूम में, उन्होंने जाना है अपने रूम में। और यहाँ पे मेरे पास आ गया है मेरा सुभान, मेरा शहजादा बेटा, मम्मा क्या प्यारा। तो सभी फ्रेंड्स को अगर आज की एक्टिविटी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, बेल आइकन बेल आइकन को प्रेस ताकि तमाम जो हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना, जो मैं ये वीडियो आपके पास आती रहे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, बात मान लें मेरी ना माने से मान की मान लें, और जो सामान कहता वो कर ले। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ गया, मिसना एंड करो मेरे लोग एंड कर एंड एंड के लिए लव यू, बाय बाय लव यू हो गया बहुत सारा बाय।